इंदौर में रेलों का संचालन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, पिछले 3 साल में इंदौर को 7 से 8 रेल मिली है। जो नई रेल मिलती है उसका मेंटेनेंस उस डिवीजन को करना होता है। मेंटेनेंस के लिए जो पिट की जरूरत होती है जिस पर गाड़ियों को रखा जाता है, उसका मेंटेनेंस ऊपर से लेकर नीचे तक उसके अंदर घुसकर किया जाता है, जिससे उसके पुर्जों को देखा जा सके। पहले 5 पिट इंदौर में थे और 6ठी भी बनकर तैयार है और अब इस पर भी रेल का मेंटेनेंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिएगा, इंदौर में ट्रेनों का संचालन जिस तरह से बढ़ रहा है, हम लोगों ने अगर गौर करें तो पिछले 3 साल में हमारे को 7 से 8 गाड़ियाँ मिली हैं। तो जब नई गाड़ियाँ मिलती हैं तो उसका मेंटेनेंस उस डिवीज़न को करना होता है। हम सफ़र है, 2 हम सफ़र हैं, अम्बामना है और गुवाहाटी है, कोचीपल्ली है। इस तरह से हमारे करीब 6 से 7 गाड़ियाँ हैं जो मिली हैं। तो जब इनका मेंटेनेंस होता है तो जो पिट की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर गाड़ी को रखा जाता है और उसका मेंटेनेंस ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल जो पिट होती है उसमें अंदर आदमी घुसता है और उसके पुर्जों को देखता है, नीचे कोई हैंगिंग तो पार्ट तो नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस रहता है।